गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम बात करते चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन की, और हेलो एल्केन में हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। बच्चों, हम क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनके नोमन क्लेचर। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नोमन क्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। किसका? कि नोमन क्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। तो बच्चों, 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नोमन क्लेचर करते हैं तो दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो उसका कॉमन नेम होता है और एक उसका आईपीएसी नेम होता है, जिसको आईपैक नेम भी बोलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स आरएक्स की बात करेंगे। इसके बाद करेंगे आरएक्स की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर इसके दो नाम होंगे, एक जो नेम होगा वो होगा कॉमन नेम, और सेकेंड जो नेम इसका होगा वो होगा आईपैक नेम। तो बच्चों, कॉमन नेम और आईपीएसी नेम की बात करते हैं। हमारे पास में दिया हुआ है आरएक्स, ये देखो यहां पर हम लिख रहे हैं आरएक्स। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम, ये जो आर ग्रुप दिया हुआ है इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। बच्चों, क्या बोलते हैं? एल्काइल। और यहां पर जो एक्स दिया हुआ है इसको बोलेंगे हैलाइड। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ये इसका क्या हो जाएगा? कॉमन नेम। हैलाइड का मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड व आयोडाइड। बच्चों, एल्काइल का मतलब होगा जैसे कि मिथाइल ग्रुप हो गया, प्रोपाइल ग्रुप हो गया, पेंटाइल ग्रुप हो गया, ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। बच्चों, आपके पास में बात करते हैं आईपीएसी नेम की। आईपीएसी नेम क्या होगा? यहां पर आपके पास में इसका आईपीएसी नेम होगा आरएक्स का, बच्चों वो होगा हेलो एल्केन। क्या होगा? हेलो एल्केन। बच्चों, हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा आपके पास में? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयडो, और एल्केन का मतलब हो जाएगा मैथेन एथेन प्रोपेन व ब्यूटेन, ठीक है। बच्चों, यहां पर हम देखते हैं कि इसके जो कॉमन नेम आपके पास में दिए हैं और आईपीएसी नेम जो दिए हैं, अगर थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करें बच्चों, तो कॉमन नेम जब भी हम लिखेंगे यहां पर सबसे पहले, तो यहां पर आपके पास में कुछ एग्जांपल्स आएंगे जिसमें आपके पास में कैसे कैसे आपको प्रेफिक्स लगाना है। तो देखो, सबसे पहले आएगा एन, तो आप क्या बोलोगे? एन एल्काइल हैलाइड। क्या जाए बच्चों? एन एल्काइल हैलाइड। दूसरा आपके पास में आ जाएगा आइसो ग्रुप। तीसरा आपके पास में आ जाएगा नियो। फिर आएगा सेकेंडरी। फिर आएगा टर्सरी। बच्चों, क्या आएगा? टर्सरी। और फोर नंबर पे जो आएगा वो आएगा आपके पास में एक्टिव। क्या आ जाएगा बच्चों? एक्टिव ग्रुप आएगा, कॉमन नेम जब हम करेंगे तो। इन सभी का हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर फिर हम आईपीएसी नेम की बात करेंगे, साथ के साथ में दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर क्या जाएगा? हेलो एल्केन। क्या जाएगा? हेलो एल्केन बच्चों। अब यहाँ पर जब आप इसका नामकरण करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं हेलो एल्केन का, आईपीएसी नोमेनक्लेचर जब भी हम करते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना आईपीएसी नोमेनक्लेचर जब भी हम करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में आती है पोजिशन। हमने बोला था 11th क्लास में कि सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को उसके साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम है तो उससे के नाम से पहले प्रेफिक्स लगाएंगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। तो वही यहां पर आपके पास में आ जाएगा पोजीशन। फिर हम बोलेंगे यहां पर डाई ट्राई टेट्रा नंबर ऑफ हैलोजन। उसके बाद में यहां पर हमारे पास में आ जाएगा बच्चों हेलो, हेलो का मतलब आ जाएगा हैलोजन फैमिली, और फिर प्लस हमारे पास में क्या आ जाएगा? एल्केन। ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। ये इसका क्या नाम हो जाएगा? आईपीएसी नेम आ जाएगा। हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के द्वारा हम आपके पास समझाते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, इनके आईपीएसी नेम क्या होंगे। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों, देखते हैं। हमारे पास में बच्चों एग्जांपल दिया गया है C5H11Br। एग्जाम्पल क्या है? C5H11Br। हम यहाँ पर इसके कॉमन नेम की बात करेंगे और साथ के साथ किसकी बात करेंगे? आईपीएसी नेम की बात करेंगे। हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं,
ये इसका आईपैक नेम हो जाएगा। एक एक एग्जांपल लेंगे बच्चों, बताओ सबसे पहले कॉमन नेम जो दिया हुआ था, कॉमन नेम आप क्या बोलोगे? आरएक्स का कॉमन नेम क्या होता है बच्चों? हमने बोला था यहाँ पर एल्काइल हैलाइड, क्या बोला था? एल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर इसका आईपीएस नेम हमने क्या बोला था बच्चों? हमने बोला था हेलो एल्के, साथ के साथ में। अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हुए चलते हैं बच्चों। मान लो आपके पास में ये दिया गया है फर्स्ट एग्जांपल CH3CH2CH2CH2CH2Br। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बच्चों? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 2 9 2 11 यहाँ पर बना गया ब्रोमीन। अब इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम की बात करते हैं बच्चों। तो मैंने बताया था कि जब आप इसका कॉमन नेम यहाँ पर राइट करोगे तो आपके पास में कुछ चीजें आएंगी। प्रेफिक्स एन आएगा, एक आएगा आइसो ग्रुप, एक आएगा नियो ग्रुप, एक आएगा सेकेंडरी, एक आएगा टर्सरी और एक आएगा एक्टिव। सर कैसे कैसे ये कहाँ कहाँ पर यूज होंगे उनकी हम बात करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर ये जो आपके पास में कार्बन चैन दी गई है, इस कार्बन चैन को देखते हैं, क्या ये कार्बन चैन में कोई भी साइड चैन है क्या? साइड चैन का मतलब ये होगा बच्चों इस कार्बन चैन को इस मार्कर से हम ढक लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको कवर करेंगे तो आपको साइड में कोई कार्बन दिख रहा है क्या? कोई चैन दिख रही है? नहीं दिख रही। तो इसके नाम से पहले, बिफोर इसके नाम से पहले कॉमन नेम हम कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? एन। क्या हो जाएगा बच्चों? एन हो जाएगा। फिर एल्काइल ग्रुप का मतलब होगा, मैंने बोलता मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल, इस प्रकार से। बताओ कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है बच्चों। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। और 5 कार्बन क्या बोलोगे? पेंटाइल बोलोगे। क्या बोलोगे? पेंटाइल। तो एन पेंटाइल। उसके बाद में हैलाइड, यहाँ पर कौन दिया हुआ है? ब्रोमाइड, ब्रोमीन दिया, क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। तो एन पेंटाइल ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इसके आईपीएसी नेम की। तो बच्चों देखते हैं, जब भी हम आईपीएसी नेम करते हैं तो सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग। और नंबरिंग हम करेंगे हमेशा फंक्शनल ग्रुप से, या फिर हम ये बोलेंगे कि सबसे कम नंबर मिलने चाहिए, मिनिमम से मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिलने चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट को मिलने चाहिए हमारे पास में बच्चों, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्बन चैन हो। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर आपके पास में जो कार्बन चैन होगी वो कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5। और नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। अब बताओ इसका आईपीएस नेम क्या होगा? देखो यहाँ पर दिया हुआ है हेलो एल्केन। तो हेलो हैलोजन जो होगा साथ के साथ में इसकी पोजीशन भी रिप्रेजेंट करनी है, और नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितने हैं वो भी साथ के साथ में लिखने हैं। तो बताओ बच्चों यहाँ पर कितनी पोजीशन पर आ रहा है? एक पर आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? 1। नंबर ऑफ हैलोजन भी कितना है? एक ही है, तो हमें मोनो लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मोर देन वन होते तो बोलते डाई ट्राई टेट्रा बच्चों। तो क्या बोलेंगे? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। हेलो का मतलब क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्केन। एल्केन मतलब कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, और 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन। क्या बोलते हैं बच्चों? पेंटेन। ये इसका क्या नाम हो जाएगा? आईपीएसी नेम हो जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर हम इसी की बात कर रहे हैं, सेकंड जो एग्जांपल हमारे पास में होगा बच्चों, देखो एन का हो गया। अब आइसो ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। तो आइसो ग्रुप क्या होगा? CH3CH CH3CH2Br। हमें बोला गया कि आइसो ग्रुप का मतलब ये होता है कि सेकंड लास्ट कार्बन पर आपके पास में अगर CH3 समूह हो, इट मींस कि आपके पास में ये ग्रुप दिया हुआ है सबसे लास्ट कार्बन के पास में। देखो इसी के पास कार्बन पे CH3 लगा हुआ, इसको हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसो ग्रुप बोलते हैं। बस इसके नाम से जस्ट पहले हमें प्रेफिक्स लगाना है आइसो। कॉमन नेम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा? नाम से पहले क्या लगाओगे? आइसो। क्या लगाओगे बच्चों? आइसो लगाओगे। उसके बाद में क्या बोलोगे? एल्काइल। कितने? 1 2 3 4 5 कार्बन है, क्या बोलोगे? आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इधर। अब आप ये बोलोगे सर यहाँ पर जो ब्रोमीन दिया हुआ है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है बच्चों। तो यहाँ पर देखो ब्रोमीन जो होगा ये किसी कार्बन से अटैच हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा आपके पास में। आप चाहो तो इनके नाम से पहले प्राइमरी लगा सकते हो, प्राइमरी आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड लगा सकते हो बच्चों, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके आईपीएस नेम के, नंबरिंग कर दो बच्चों। कहां से करोगे? 1
2, 3, 4 मेन कार्बन चेन कितने की है? 4 कार्बन की, और यहाँ पर साइड चेन कितनी है? 1 CH3 समूह दिया हुआ है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, बताओ इसको क्या बोलेंगे? 3 नंबर पे दिया आपके पास में बच्चों, कितने पे दिया हुआ है? 3 नंबर पे दिया हुआ है, और ये ब्रोमीन दिया हुआ है। तो बताओ पहले ब्रोमीन को लिखोगे या फिर CH3 को? ब्रोमीन स्टार्ट होता है बच्चों 20 से, जिसको ब्रोमो बोलोगे, और ये होता है प्लस में मेथेन मिथाइल ग्रुप, M से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करा दो, इसका अल्फाबेट बाद में आता है, इसका अल्फाबेट कहां आता है? पहले आता है। तो पहले इसको लिखेंगे, क्या लिखोगे? 1-bromo-3-methyl, यहां पर आएगा पेन ब्यूटेन, ठीक है। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की, हमारे पास में जो अगला जो एग्जांपल दिया गया है बच्चों, वो इसी को मॉडिफाइड करते हैं, चेंज करते हैं, हम लेंगे नियो का। तो कैसे बना सकते हैं नियो? CH3 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 CH2 Br। तो बच्चों ये जो ग्रुप दिया गया है आपके पास में, ये वाला ग्रुप, इसको बोलते हैं नियो ग्रुप। क्या बोलते हैं? नियो ग्रुप। तो नाम से पहले, बिफोर नाम, नाम से पहले आपके पास में क्या आ जाएगा? नियो आ जाएगा। मैंने बोला एक बार बार, आप यहाँ पर देखो ये 1 डिग्री से जुड़ रहा है, तो क्या बोल सकते हो? प्राइमरी बोल सकते हो, प्राइमरी नियो भी बोल सकते हो ना, लेकिन आप बात करें यहाँ पर कौन आ गया? नियो आ गया। उसके बाद में एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा? पेंटाइल, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा बच्चों। अब बात करते हैं, तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। बात करते हैं आईपीएसी नेम की, आईपीएसी नेम की बात करेंगे, नंबरिंग कर दो 1, 2, 3, कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है, तो क्या बोलोगे? 1-bromo-1-bromo, देखो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2, तो 2-2-dimethyl-propane, डाइमिथाइल प्रोपेन, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा बच्चों। अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसी को चेंज कर रहे हैं, किसमें? सेकेंडरी में चेंज करें, मतलब कि आपके पास जो ब्रोमीन होगा वो 2 डिग्री कार्बन के पास में अटैच होना चाहिए। तो नाम से जस्ट पहले हम क्या लगा देंगे? सेकेंडरी लगा देंगे बच्चों। चेंज करते हैं इसको, CH3 CH2 CH2 CH Br CH Br CH3 बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पर जो ब्रोमीन दिया हुआ है, क्या 2 डिग्री कार्बन से अटैच है? और 2 डिग्री को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बोल देंगे बच्चों। बस इसकी पोजीशन को साथ के साथ में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इसका कॉमन नेम क्या होगा? सेकेंडरी। इसके बाद क्या दिया आपके पास में? एल्काइल, सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा बच्चों। अब बात करते हैं इसके आईपीएसी नेम की, तो यहां से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों। बताओ ब्रोमीन जो होगा आपका कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है। 2 नंबर पे क्या बोलेंगे? 2-bromo-2-bromo-pentane, सेकेंडरी में चेंज हो गया। अब इसको हम चेंज करेंगे बच्चों टर्सरी में, तो टर्सरी में जब हम इसको चेंज कर रहे हैं, ये होगा, इट मींस कि आपके पास जो ब्रोमीन है वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो इसको चेंज करते हैं, ये देखिएगा आपके पास जो ब्रोमीन है 3 डिग्री कार्बन से अटैच है बच्चों। किससे अटैच है? 3 डिग्री कार्बन से अटैच है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा पास में? टर्सरी, टर्सरी पेंटाइल ब्रोमाइड। बात करें आईपीएसी नेम की, तो यहां पर नंबरिंग कर दो बच्चों। नंबरिंग किधर से होगी आपके पास में? इधर से 1, 2, 3 और 4। कितने नंबर का आ रहा है ब्रोमीन हमारे पास में? 2 नंबर क्या बोलेंगे? 2-bromo। सब्स्टिट्यूएंट आपके पास कितना दिया है बच्चों? 1 दिया हुआ है। क्या बोलेंगे? 2-methyl। कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4। क्या बोल देंगे? ब्यूटेन। क्या बोल देंगे? ब्यूटेन। अब आप बात करते हैं एक्टिव का मतलब क्या हो गया सर? एक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्टिव का मतलब ये होता है कि ब्रोमीन जो आपके पास में कौन से कार्बन से जुड़ रहा है। इधर देखते हैं, इसी को चेंज करते हैं, CH3 CH Br CH2 CH2 CH3, ये एग्जांपल हो गया आपके पास में। अब बच्चों बताओ ये जो CH है, ये जो कार्बन है, इसे ब्रोमीन अटैच हो रहा है, और क्या इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट है क्या?
एक्टिव का मतलब हो जाएगा कि कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर बताओ, ये हाइड्रोजन अलग, ये अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और नाम से बिफोर, नाम से पहले आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर है, नाम से पहले आपको प्रेफिक्स लगाना है, कौन सा? एक्टिव लगाना है, ठीक है। साथ ही साथ में बताओ, ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है तो क्या बोल देंगे? सेकेंडरी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एक्टिव एल्काइन ग्रुप, मतलब पेंटाइल, पेंटाइल ब्रोमाइड, ये बच्चों इसका नाम हो जाएगा। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा बच्चों? देखते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, क्या बोलोगे? 2-bromopentane, क्या बोलोगे? 2-bromopentane, ठीक है बच्चों। बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।